मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज पार्ट 16 क्लास एलकेजी सब्जेक्ट मैथ एंड टुडेज टॉपिक इज नंबर नेम। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा था 11 और 12 का नंबर नेम, और आप लोगों को कहा गया था कि आपको पढ़ना लिखना है और याद करना है। आज इसे आगे पढ़ेंगे 13 और 14 का नंबर नेम, इसे भी आपको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। तो चलिए, सब बोर्ड पर देखिएगा, मैं पढ़ाती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। चलिए, सब कोई बोर्ड पर देखेंगे नंबर नेम 1, 3, 13 को स्पेलिंग में किस तरह पढ़ा जाता है उसे सुनेंगे। TheIRTEEN 13, TheIRTEEN 13। अब अगला देखिएगा 1, 4, 14, इसका स्पेलिंग पढ़ेंगे FOURTEEN 14, FOURTEEN 14, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि आपको अगर 1 से 10 तक का नंबर नेम अच्छी तरह याद हो जाएगा तो उसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 14 में 4 का स्पेलिंग यहाँ तक आ गया है, और 4 के बाद इधर TEEN जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया 14। यहाँ तक हमने पहले याद किया था और ये अभी जोड़कर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह याद करने में आसानी रहता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से 10 तक का नंबर नेम अच्छा से याद कर लेना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा है 13 और 14 का नंबर नेम। जैसा यहाँ मैंने लिखा है 13 का स्पेलिंग यहाँ, उसके बाद उसके नीचे भी लिखा गया है, सबको दिखाई दे रहा है नीचे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को नीचे लिखना है, और इसी तरह आपको, मैं एक बार लिखती हूँ लेकिन आपको इसके नीचे नीचे भी लिखना है और याद करना है। और यहाँ भी 14 का स्पेलिंग भी यहाँ मैं एक बार लिखी हूँ और आपको नीचे कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो इस तरह से आज 13 और 14 का नंबर नेम आपको पढ़ाया गया है, आपको अच्छी तरह अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है प्लीज उसे आप अपने घरों में बैठकर अच्छा से पढ़िए, लिखिए और याद करिएगा। ओके, थैंक यू।